आज जो है अब हम पढ़ते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको पता है कि न्यूक्लियस कुछ और नहीं, ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट हम बात करेंगे कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का ये ब्रेन है। क्यों? क्योंकि जितने भी सेल के अंदर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहा था, एग्जांपल बताइए सर, प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड का सिंथेसिस, फैट का सिंथेसिस, वो सारी के सारे एक्टिविटीज़ जो है ना वो कहीं और नहीं सेल के अंदर हो रहा होता है। और उन सारे के सारे एक्टिविटीज़ को कोई अगर कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो वो कौन है, न्यूक्लियस है। इसीलिए हमको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। सर अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो देखिए दो यहाँ पर बात हम करेंगे, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इन प्लांट सेल अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में जो है वो 80 से 90 प्रतिशत अगर वॉल्यूम है वो अकेले घेर के रखता है वैक्यूल्स। तो जो छोटा सा जगह बचा हुआ है वो क्या है, कॉर्नर में। तो कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है क्या, न्यूक्लियस। किसके में, प्लांट सेल में। ध्यान रखिए बाबू, तो हम बात करेंगे कि इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, कॉर्नर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें किसमें, एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड रहता है। ठीक है, वाइल इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज लोकेटेड सेंट्रली। पहला तो बात समझ गए सर, न्यूक्लियस का लोकेशन क्या है और न्यूक्लियस को क्यों हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। आराम से समझिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आराम से धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बात होता है सर कि न्यूक्लियस को हम अब देख लेते हैं क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखते हैं न्यूक्लियस का कि सर किस तरीके से ये दिखेगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस जो है वो बाई मेम्ब्रेनस होता है, दो मेम्ब्रेन रहेगा। आराम से फिगर को देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये जो है बाहर आपको जो दिख रहा है ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, हम बात किए कि सर न्यूक्लियस जो बाई मेम्ब्रेनस होता है, तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कह दिए हम लोग। सर इसके अंदर में अगर बात करें तो ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि सर छोटा छोटा छेद है। ठीक है, छोटा छोटा क्या है, पोर्स है। इन सभी को कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए प्लूरल बात करेंगे, पोर्स, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए सर, न्यूक्लियस के अंदर में लिक्विड प्रेजेंट है। क्या है बाबू बोलो, एक लिक्विड, बहुत सारा जो है ना मात्रा में इसमें लिक्विड प्रेजेंट रहता है। इन सभी को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या, जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म, उसी तरीके से न्यूक्लियस का जो कंटेंट है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको बोलो, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक डार्क क्रिस्टलाइन सॉलिड राउंड, देखो हम चार बात बोले हैं, डार्क क्रिस्टल शेप का, सॉलिड शेप का, डार्क क्रिस्टलाइन सॉलिड स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर रहता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं बाबू बोलो, न्यूक्लियोलस। इनको कहते हैं न्यूक्लियोलस। आप लोग नाम सुने होंगे राइबोसोम। राइबोसोम बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर में, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर में, और वो राइबोसोम इस न्यूक्लियर पोर्स के से निकल करके, और फिर इसी से हम लोग आगे पढ़े हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये न्यूक्लियस में कौन बना, राइबोसोम, और बन करके और फिर इस न्यूक्लियर पोर्स से बाहर निकलेगा न्यूक्लियस से और जाकर चिपक जाएगा किसके ऊपर, किसके सरफेस पर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर चिपकने से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। इसीलिए उस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम सिर्फ देखते हैं। ठीक है, हमने बोला कि ये जो है
न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस खूब पूछता है एग्जाम में, तो बोलेंगे ये वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। तो साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, राइबोसोम सिंथेसिस यही होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए सर और क्या है इसमें होता है, देखिए इसमें ढेर सारा धागा की तरह थ्रेड लाइक जो है ना, थ्रेड लाइक ढेर सारा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा सर, नेटवर्क की तरह ढेर सारा धागा रेशा की तरह स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखता है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटीन फाइबर्स, ठीक है। बहुत जगह आपको क्रोमोजोम भी लिखा रहेगा, क्रोमोजोम्स भी लिखा रहता है, ठीक है। हम आपको तुरंत अब इसका बेसिक डिफरेंस बताते हैं आपको, ठीक है। और हम आप इसका जनरल अगर बात करें कि इसमें होता क्या है सर, तो इसमें होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है बाबा बोलो, ये कुछ और नहीं ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड को ही कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ होता है, एक आएगा आपका डीएनए, देखिए न्यूक्लिक एसिड एन यहाँ है और ये ए है, तो एन ए से न्यूक्लिक एसिड और ये डी सिर्फ अंतर आएगा, और एक यहाँ आएगा क्या आर एन ए, एन से न्यूक्लिक ए से एसिड और ये आर, तो आर का आर स्टैंड फॉर व्हाट, आर स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबो, और डी स्टैंड फॉर डी ऑक्सी, मतलब क्या कि यहाँ अंतर अगर देखें तो डी से होगा डी ऑक्सी, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो भी इसमें ऐड होता है, डी ऑक्सी राइबो, डी से जो है डी ऑक्सी राइबो यहाँ आ गया और आर से सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा राइबो। तो आपके बाद याद रहेगा हमेशा कि सर न्यूक्लिक एसिड का ही प्रकार है डीएनए और आरएनए, ठीक है, डी मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आर फॉर व्हाट राइबो न्यूक्लिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ गया सर, ठीक है। ये क्रोमेटीन फाइबर कहिए या फिर क्रोमोसोम कहिए या फिर क्या न्यूक्लिक एसिड कहिए, डीएनए और आरएनए दो तरह का इसमें होता है, ठीक है। अब चलिए और अब हम थोड़ा सा अब आगे बढ़, तो हमने यहाँ सीख लिया सर कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्रोमेटीन फाइबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको क्रोमोसोम के बारे में बताते हैं कि सर क्रोमोसोम होता क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से इधर, ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं क्या कि हमने लिखा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स दो चीज से मिलकर बनता है, क्रोमोसोम्स दो चीज से मिलकर आपको बनता है, एक है बाबू क्रोमोसोम्स में बात करें दो चीज प्रेजेंट रहता है, एक आपका रहेगा प्रोटीन, प्रोटीन और वो जनरली बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है ना, और दूसरा तरफ क्या रहेगा बाबू बोलो डीएनए, डीएनए दूसरी तरफ क्या रहेगा बोलो डीएनए, मतलब क्या कि अगर हम बात करें, एनिमल सेल का, अगर वो आरएनए होता या अगर वो प्लांट सेल होता तो वहाँ पे डीएनए की जगह पे क्या हो जाता, आरएनए हो जाता, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे लिख ही देते हैं डीएनए या फिर क्या आरएनए, ठीक है। तो चलो देखो क्या बोल रहे हैं, हम लोग को ये बात छोटे से क्लास में भी सीखे होंगे कि डीएनए जो है वो अगर हम देखो बताने के लिए तो इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन आपका स्टैंडर्ड में ज़्यादा अगर डिटेल जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा हम लेके चलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम हमने बोला कि क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम बोलेंगे कि सर ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो हमने बोला कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है जो किसमें होता है बोलो, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सर क्रोमोसोम का काम क्या है, तो क्रोमोसोम का काम है, चूँकि हमने बोला इसको जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्या कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेल जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने में जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो कौन, वो क्रोमोसोम ही होता है, इसीलिए क्रोमोसोम को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम जो है सर जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्लांट सेल में क्या होता है, तो प्लांट सेल में आंसर क्या देंगे आरएनए, आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट सेल। लेकिन अगर हम बात करें कि सर जेनेटिक मटेरियल किसका, एनिमल सेल का क्या होता है, तो क्या बोलेंगे डीएनए। कभी भूल करके भी ऐसा नहीं करना है कि सर बच्चा कन्फ्यूज करता है, बच्चे के दिमाग में क्या रहेगा कि सर आरएनए हमेशा किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, और डीएनए क्या होता है बोलो, डीएनए सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ से पहले हटिए। हम क्या बोल रहे हैं कि सर अगर आरएनए नहीं होगा तो आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए अगर नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। ज़रा सोच के देखना कि अगर आप बोल रहे हैं कि सर आरएनए प्लांट सेल में ही है, सिर्फ आरएनए प्लांट सेल में ही होता है, तो बताइए सिर्फ प्लांट में ही प्रोटीन बनेगा, तो हमारे में फिर प्रोटीन कैसे बनता है, कॉमन सेंस वाला बात है। तो यहाँ छोटा सा माइनर मिस्टेक है जो टीचर्स को जो है ना बच्चे को थोड़ा सा बता देना चाहिए, लेकिन वो
फ्लो फ्लो में जो ना आगे बढ़ जाते हैं और बच्चा कन्फ्यूज रहता है। ध्यान रखिए क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर आरएनए, इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आरएनए डीएनए, आरएनए और डीएनए ये दोनों का दोनों न्यूक्लिक एसिड जो है वो दोनों प्लांट एनिमल और सेल में दोनों में पाया जाता है। लेकिन हमने बोला अगर आपसे पूछे कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या कि वो न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो उसको सेल्फ कहते हैं जेनेटिक। सर जेनेटिक मटेरियल, हमने एक वर्ड क्या यूज़ किया, जेनेटिक मटेरियल। बढ़िया से समझिए पहले इसको, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है कि सर दोज न्यूक्लिक एसिड दैट रिमेन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्या, जेनेटिक या फिर हेरिडिटिकल मटेरियल भी इसको कहते हैं। स्पेलिंग में कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग अगर गलत होगा चेक कर लेंगे आप, ठीक है। हमने क्या बोला कि दोज न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड जो किस में प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं जेनेटिक मटेरियल या फिर क्या हेरिडिटिकल मटेरियल कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं है सर, यहां से समझ में आ गया एक बात, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन प्लांट सेल जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। आरएनए एक्ट्स एज क्या, जेनेटिक मटेरियल। आरएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अगर हम बात करें एनिमल सेल का, इन एनिमल सेल डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा यहाँ पे फ्लो फ्लो में भूल जाता है कि सर जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखिए नोट में आपको हम लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं डिफरेंस। पहला बोथ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट इन द लिविंग सेल, कोई भी लिविंग सेल है उसमें दोनों होगा, डीएनए भी होगा और क्या होगा बोलो, आरएनए भी होगा लिविंग सेल। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्योंकि बच्चा अक्सर जो है ना कंफ्यूज करता है क्रोमोसोम और क्या डीएनए में, ठीक है। तो देखिए जरा डीएनए और क्रोमोसोम में क्या है सर रिलेशन। सर देखिए तो हमने बोला कि सर यहाँ हमने लिया डीएनए, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम बताएंगे कि डीएनए आखिरकार डीएनए किस चीज़ से मिलकर बनता है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि डीएनए क्रोमोसोम में क्या संबंध है। जरा देखिए डीएनए को हम क्या कर दिए कि जब आप डीएनए को क्या कर देंगे, कॉइलिंग करेंगे, क्या करेंगे बोलो, लपेटेंगे, कॉइलिंग करेंगे, तो जो कॉइलिंग करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, बिल्कुल सर ऐसा दो धागा है, ठीक है, दो थ्रेड है, दो स्ट्रैंड है, इस तरीके से आएगा। तो देखो डीएनए का कॉइलिंग करने के बाद जो रूप आपको मिला वही है क्या, क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ सर कि कॉइल्ड स्टेज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड व्हाट, क्रोमोसोम, सिंपल। तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स कुछ और नहीं, कॉइल्ड स्टेज ऑफ डीएनए, कॉइल्ड स्टेज ऑफ क्या होता है बोलो बाबू, डीएनए होता है। सर कॉइलिंग कब होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है, कब होता है बोलो बाबू, ड्यूरिंग जब सेल को डिवाइड करना होता है, ठीक है, पैरेंट सेल को डिवाइड करके ऑफस्प्रिंग बनाना होता है, तो उस समय क्या होता है, कॉइलिंग होता है। कॉइलिंग कब होता है बोलो बाबू, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ना वो क्या होगा, कॉइलिंग होगा। सर देखिए तो हमने क्या सीखा कि सर कॉइल्ड स्टेज ऑफ डीएनए को ही क्या कर दिए, क्रोमोसोम कर दिए। अब इस क्रोमोसोम को फिर से खोलेंगे, क्या करेंगे बोलो बाबू, अनकॉइलिंग करेंगे, क्या करेंगे बोलो, जब कॉइलिंग करेंगे तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, डीएनए। आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है, कि कॉइल्ड स्टेज ऑफ डीएनए को ही क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, और अनकॉइल्ड स्टेज ऑफ क्या, क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, मन में आ रहा होगा कि सर क्रोमोसोम और डीएनए में तो आपको समझ में आ गया सर क्या होता है, लेकिन एक्चुअली जो है डीएनए किस चीज़ का मिलकर बना हुआ, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये सब, ठीक है। डीएनए जो है इसका अगर आपसे कोई पूछेगा तो डीएनए का याद रखेंगे बैकबोन
डीएनए का जो बैकबोन होता है बाबू, जिस चीज से ये मिलके बना होता है डीएनए, वो होता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। वो क्या होता है बोलो बाबू, न्यूक्लियो, डरना नहीं आराम से देखिए, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। क्या बोले हम, डीएनए का बैकबोन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर, देखिए एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें तीन चीज प्रेजेंट रहता है, तीन जो है ना सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, वो कौन कौन, उसमें है एक नाइट्रोजन का बना हुआ बेसिक कंपाउंड, नाइट्रोजनस बेस, सब केमिकल सब्सटेंस है। दूसरा है पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब पांच कार्बन, पांच कार्बन वाला शुगर, ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल, इसमें कितना कार्बन हो, पांच कार्बन हो, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए आपको, लेकिन चूंकि आप लोग ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम देंगे, ठीक है, या फिर क्या केवीपीआर के एग्जाम देंगे, अगर केवीपीआर तो बहुत आगे का चीज़ है, लेकिन हम ओलंपियाड की बात करें, एनएसओ की बात करें, तो उसमें आपको जो है ना ये सब पूछता है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि न्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर, और एक होता है फॉस्फोरिक एसिड, क्या हमने बोला, फॉस्फोरिक एसिड। अब देखो दिक्कत यहाँ ये होता है कि बहुत सारी किताब में फॉस्फोरिक एसिड ना लिख के फॉस्फेट कह देगा, क्या कह देगा बोलो बाबू, फॉस्फेट ग्रुप कह देगा, एकदम तुरंत आसान, बहुत आसान है, देख लीजिए तुरंत अभी, फॉस्फेट कहेगा आपको, फॉस्फेट ग्रुप कहेगा। सर इसमें क्या अंतर है, देखिए फॉस्फोरिक एसिड, नियम क्या है कि अगर आप फॉस्फोरिक एसिड में से, ठीक है, क्या हटा देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो ये जो ग्रुप बनेगा वो क्या कहलाता है बोलो, फॉस्फेट। फॉस्फेट एग्जाम्पल समझिए, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, यही लिख देते हैं H3PO4, क्या फॉर्मूला होता है बोलो बाबू, H3PO4। इस नियम के अनुसार अगर बात करें तो इसमें से अगर एक H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2PO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉमन सेंस है। अगर हम बात करें तो इसमें से अगर मैं H एक H हटा दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा सर, H2PO4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है फॉस्फेट ग्रुप, क्या है बोलो बाबू, यही जो आपको दिखाएं यही फॉस्फेट ग्रुप। देखिए अगर आपके मन में अभी इच्छा हुआ था जानने का कि फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फेरिक एसिड में क्या संबंध है, तो हमने बताया कि एसिड में एक हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, नियम है क्या कि एक एसिड हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, ATE जुड़ जाएगा। मतलब क्या कि फॉस्फोरिक एसिड में से हमने एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बना, फॉस्फेट बना। तो कैसे हुआ सर, एक एसिड को हटा दीजिए और क्या जोड़ दिए, ATE जोड़ दिए, हो गया कि नहीं हो गया। तो सर इसको हम एक छोटा सा नट सेल में लिखते हैं नोट में कि कोई भी यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड से लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड में से मैंने एक एच हटाया तो क्या बना, फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि सर यहाँ से एक एसिड जो है रिमूव हो गया, एक एसिड माइनस कर दिए हम और जोड़ क्या दिए, ATE, तो क्या बन गया, फॉस्फेट बन गया। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, तो कन्फ्यूजन का कोई टेंशन नहीं, आराम से देखिए। तो हमने यहाँ पर ये सब बताना मेरा मकसद नहीं था, हमको ये समझाना था सर, आपके मन में प्रश्न आया था कि डीएनए क्या होता है। डीएनए आपने बोला सर कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है सर, ये जेनेटिक मटेरियल है किसका, एनिमल सेल का, यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, समझ में आ गया सर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डीएनए अब मन में आया कि सर डीएनए एक्चुअली में किस चीज़ से बनता है। तो हमने बताया कि डीएनए का जो बैकबोन है जिस चीज़ से वो बनता है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी वो कौन है वो बोलो, ये है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, क्लियर है। अब देखो इसमें से अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को हटा देते हैं, किसको हटा देते बोलो बच्चे, फॉस्फोरिक एसिड को हटा देंगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, क्या बन जाएगा बोलो, न्यूक्लियोसाइड। देखो नाइट्रोजनस बेस में अगर आप नाम सुनना चाहते हैं तो इसमें आता है एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन, कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमने बोला कि नाइट्रोजनस बेस में कितना बोले हम लोग, एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, ठीक है, बोले हम यूरासिन है, थाइमिन है। ध्यान रखेंगे कि सर यहाँ पर जो हम न्यूक्लियोटाइड बताएं किसका बना है, डीएनए का बना है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला कि सर नाइट्रोजनस बेस, ये सब का सब नाइट्रोजनस बेस का हम एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो डीएनए जो है, डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है,
थायमिन होता है लेकिन यूरासिल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे यूरासिल नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, सारे का सारा होंगे लेकिन ये वाला नहीं होता है। इसका मतलब ये किस में होता है, इसीलिए लिख देते हैं कि ओनली प्रेजेंट इन आरएनए। जब आरएनए में ये रहेगा तो ये एब्सेंट होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात समझे आप। यूरासिल किस में नहीं होता है, डीएनए में नहीं होता है, तो यूरासिल जब डीएनए में नहीं होगा तो डीएनए में क्या होगा, थायमिन होगा। जब डीएनए में यूरासिल नहीं होता है बाबू, तो हमने क्या बोला, देखो यूरासिल हमने लिखा, यूरासिल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है बोलो, आरएनए में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या सर, यूरासिल रहेगा तो थायमिन आरएनए में नहीं होगा, एकदम 100% आपने श्योर समझा, ठीक है, कि इसका मतलब क्या कि आरएनए में थायमिन लैक्स व्हाट, थायमिन नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाबू आरएनए लैक्स क्या, थायमिन, आरएनए में थायमिन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सर कि आपने बताया, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं समझना, यहाँ पर सिर्फ सिंपल सिंपल समझना क्या है कि सर डीएनए का, देखो एक बार रिविजन कर लो, डीएनए का कॉइल्ड स्टेज को ही कहते हैं क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। यहाँ डीएनए और आरएनए भी हो सकता है सर, लेकिन हम चूंकि एनिमल सर की बात कर रहे थे, खाली डीएनए लिखे हैं। चलो देखो, अब हमने क्या बोला कि मन में आया सर डीएनए किस चीज़ के मिलकर बना था, डीएनए जो बना हुआ न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ, न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ से बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, फॉस्फोरिक एसिड है चाहे क्या रहे, फॉस्फेट ग्रुप रहे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आइए, हमने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि नाइट्रोजनस बेस क्या होता है सर, नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि बेसिक फॉर्म में रहता है, बेसिक फॉर्म में, इसका एग्जांपल क्या कह दिए, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, थायमिन, लेकिन हमने क्या क्रॉस किया, यूरासिल को क्रॉस किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने डीएनए लिखा, तो डीएनए इसका मतलब आप बताना चाहते हैं कि यूरासिल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है सर, किस में होता है, आरएनए में होता है। देखो हम लिख दिए हैं कि यूरासिल सिर्फ किस में प्रेजेंट रहता है, आरएनए में प्रेजेंट रहता है, हाँ, और ध्यान रखिएगा जिस तरीके से यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट है और थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि थायमिन किस में नहीं होगा, आरएनए में थायमिन नहीं होगा, खत्म कहा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये सब हमने सीखा सर, हमने क्या बताया, फिर एक बात सीख ली, जब न्यूक्लियोटाइड सीख लिए हैं तो बोलता है क्या कि जब न्यूक्लियोटाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप को आप रिमूव करते हैं तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसका मतलब क्या बताएं हम कि न्यूक्लियोटाइड में से माइनस अगर कर देंगे कैसी फॉस्फेट ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, क्या हो जाएगा बोल बच्चा, न्यूक्लियोसाइड, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात को भी ध्यान रखेंगे। तो सर इसका मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, बिल्कुल सही है, हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, ज्ञान इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ जो सीख लिया इसी के चक्कर में, ठीक है, तो यहाँ से कोई इशू नहीं है। हमने अभी तक जो सीखा, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड से बन के क्या बनता है बोलो बाबू, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब हम थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं, बोलता है क्या कि क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर सेल को दो तरीके से बांटते हैं। जब इतना सीख लेते थोड़ा सा और सीख लो, यहीं पे सीख लेते, जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेल इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का हमारे बॉडी में सेल होता है, ठीक है। पहला होता है हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल जिसको हम लोग एन से, स्मॉल एन या फिर कैपिटल है लेकिन एक सिंगल होगा, और दूसरा है वह होगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल, इसको 2n से दिखाते हैं। इसमें क्रोमोसोम का नंबर, मान लीजिए कि डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, तो इसका जस्ट आधा होगा, तो इसमें कितना होगा, 23 होगा, याद रखिएगा। हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल आप दीजिए सर, तो एग्जांपल होता है क्या, जर्म सेल, जर्म सेल में कन्फ्यूजन नहीं, तो आप इसको कह सकते हैं सेक्स सेल, या फिर आप कह सकते हैं गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट का नाम सुने होंगे, स्पर्म वगैरह का नाम सुने होंगे, ठीक है, एक का नाम सुने होंगे, ये हो गया। डिप्लॉइड सेल में हमारे बॉडी में इसके अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सब का सब क्या है,
सबका सब डिप्लॉयड सेल है। इसका एग्जाम्पल होगा सोमैटिक सेल। सोमैटिक को कहते हैं बॉडी सेल, सोमैटिक या फिर क्या बॉडी, या फिर वेजिटेटिव सेल भी प्लांट में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव सेल, कोई तकलीफ नहीं है। देखो हमने क्या सीखा, क्रोमोसोम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के आधार पर, ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हो। देखो बाबू, अगर हमने बोला क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अगर करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है बाबू, वो होता है न्यूक्लियोसोम। वो क्या होता है, न्यूक्लियोसोम्स। ये न्यूक्लियोसोम क्या है सर, कुछ नहीं डरना नहीं है, न्यूक्लियोसोम होता है। और ये न्यूक्लियोसोम जो है दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ये बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। हमने क्या कहा सर कि सर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का अगर हम जिक्र करें तो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है सर, आखिरकार उसका कौन सा स्ट्रक्चर यूनिट है जिसके मदद से हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे क्या कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम वो होता है क्या, न्यूक्लियोसोम्स। क्या होता है बोलो बाबू, मतलब कि न्यूक्लियोसोम्स से मिल करके ही क्या बनता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है। अब सर बात आया कि सर न्यूक्लियोसोम में क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियोसोम में दो कंपोनेंट, एक डीएनए और एक क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हम क्या बोले, देखो कैसे होता है, मान लीजिए कि सर ये हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन है और ये डीएनए का थ्रेड है। तो डीएनए का थ्रेड क्या होता है कि इसके ऊपर में कॉइल रहता है इस तरीके से, इस तरीके से क्या बोलो, इस तरीके से इसके ऊपर में क्या रहेगा, कॉइल रहता है। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पर ऐसे सिंगल कर देते हैं इस तरीके से। तो सर यहाँ पे क्या देखें, ये क्या है, हिस्टोन है, हिस्टोन है और ये सब जो क्या है वो डीएनए है, ठीक है। तो एक यूनिट को ही कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के इस यूनिट को ही कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। अगर आप क्रोमोसोम को जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर में तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब क्या कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में जो है डीएनए जो है ना वो कॉइल रहता है। तो हमने समझा क्या सर कि न्यूक्लियोसोम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम। क्लियर हो गया, सिंपल सा चीज था, बता दिया आपको, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लिए, अब थोड़ा सा और देखो क्या होता है कि सर हमने एक और बात आपको बताया कि सेल डिवीजन में एक फेज होता है। सेल डिवीजन का एक फेज है जिसको कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज एक स्टेज है, मेटाफेज एक स्टेज है। इस स्टेज में सबसे ज्यादा क्या होता है, क्वाइलिंग ऑफ डीएनए होता है, सबसे ज्यादा क्वाइलिंग ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। तो मेटाफेजिक स्टेज में मैक्सिमम क्वाइलिंग ऑफ डीएनए होता है, इसीलिए इस स्टेज में क्रोमोसोम आसानी से विजिबल होता है, ठीक है। हेंस वी यूज टू आइडेंटिफाई द क्रोमोसोम इन दिस फेज ओनली, इन दिस फेज ओनली। आपसे प्रश्न पूछता है कि बताइए कि क्रोमोसोम को जो है ना किस फेज में सबसे आसानी से और सबसे इजिली विजिबल है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम को आप आसानी से देख सकते हैं कौन से फेज में, मेटाफेजिक प्लेट में या फिर मेटाफेजिक स्टेज में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या, सेल डिवीजन का ही एक फेज है। क्लियर हो गया। चलिए फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस अब बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस में पहला पॉइंट हम बात कर सकते हैं कि सर सेल जो है ब्रेन, सेल का ये ब्रेन है। तो ब्रेन का मतलब क्या कि सर न्यूक्लियस जो है पूरे के पूरे लिविंग एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो क्या बोलेंगे, इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दूसरा हम बोल रहे हैं कि आपने देखा बार बार बोल रहे हैं सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन, इसका मतलब क्या कि ये सेल डिवीजन को भी रेगुलेट करता है। दूसरा नंबर, इट रेगुलेट द सेल
डिवीजन, ठीक है। हमने तीसरा बात बताया कि सर इसके अंदर में न्यूक्लियस के अंदर में क्या था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम क्या कहता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या कि इन्फॉर्मेशन को वो ट्रांसफर करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, मतलब क्या, इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एनदर। कोई तकलीफ नहीं है, ये हो गया हमारे पास ये न्यूक्लियस का, ठीक है। एक छोटा सा और एक बात याद आ रहा है, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखो बोलता है क्या कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो देखिए जरा गौर से, एक और आपको स्टेज मिलेगा इस तरीके का दिखेगा आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। तो इसको कहते हैं, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक डीएनए है, क्या है बोल बाबू, एक डीएनए है। जब इसको जब सेल डिवीजन होना होता है, ठीक है, तो पहले क्या करेगा कि अपने आप को जो है रेप्लीकेट कर लेगा, क्या कर लेगा बोल बाबू, ये अपने आप को रेप्लीकेट कर लेगा। मतलब कि यहाँ पर एक डीएनए था, अब क्या हो गया, एक यहाँ पर डीएनए हो गया, एक यहाँ, मतलब एक जेरोक्स कॉपी बना लेगा, ठीक है। तो देखो इसी को कहते हैं, ये दोनों का दोनों जो आप देख रहे हैं एक साथ, ठीक, इसी को कहते हैं क्रोमाटिड, क्या कहते हैं बोलो, क्रोमाटिड कहते हैं, क्रोमाटिड कहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये जो एक हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये है क्या, ये क्रोमोसोम का एक फॉर्म है, क्या है बोलो बाबू, क्रोमोसोम का ही एक स्टेज है, स्टेज है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। जब इसको क्या करना होता है, जब इसको जो बाबू सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना होता है तो क्या करेगा, क्रोमोसोम को ये डुप्लीकेट करेगा, मतलब क्या, जेरोक्स करेगा, ठीक है, रेप्लीकेट करेगा। तो क्रोमोसोम अपने आप को जब रेप्लीकेट करता है तो क्या बनाता है बोलो, क्रोमाटिड बनाता है। तो क्या हमें लिख देते हैं, रेप्लीकेट किया तो क्या बना, क्रोमाटिड बनाया, कोई तकलीफ नहीं है, इस बात को भी समझिएगा। सर अगर हम देखें इसको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको आता है कि क्रोमोसोम की जो टिप आपको जो दिख रहा है, जो टिप है इसको कहते हैं टेलोमेयर, क्या कहते हैं बाबू बोलो, टेलोमेयर कहते हैं। इस टिप को क्या कहते हैं बोलो, टेलोमेयर कहते हैं। और जो बीच में जो आपको दबा हुआ पार्ट है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, इसको कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या फिर इसी को कहते हैं सेंट्रोमेयर, क्या कहते हैं बोलो बाबू, सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्लियर है, ये तक समझ में आ गया, ये हमारा न्यूक्लियस समाप्त हुआ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप।